हेलो दोस्तों, यमी ट्रीट विद जूली में आप सभी का स्वागत है। आज जो है वीकेंड स्पेशल मैं कुछ लेकर आई हूँ और वो सचमुच बहुत ही स्पेशल है। जी हाँ, वो है मटन की रेसिपी। तो ये बिहारी मटन कह लीजिए या कहीं का भी मटन कह लीजिए, मगर बना तो ये बहुत ही स्वादिष्ट है। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आपको ज़्यादा देर किचन में नहीं खड़े रहना पड़ेगा, झटपट वाली रेसिपी है। तो चलिए हम किचन में चलते हैं और बनाते हैं मटन की रेसिपी। सारे मसाले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं लगेगा। गर्मी ज़्यादा है, किसी को भी ज़रूरत नहीं होती है, मन नहीं करता है कि हम किचन में खड़े हों। तो इसके लिए मैंने झटपट से ये रेसिपी बनाई है। कुकर लिया है मैंने, उसमें आधा कप जो है सरसों का तेल डाला है, क्योंकि मटन हो या चिकन सरसों तेल में ही बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो सरसों तेल जो हम लेंगे उसको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा गर्म कर लेना है और फिर गैस को ऑफ़ कर देना है। और सरसों तेल से धुआं उठने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तब हम गैस को दोबारा ऑन करेंगे और उसमें डालेंगे सारे बेसिक खड़े गरम मसाले और उसके साथ हम डाल देंगे प्याज। वैसे मसाला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने उसी मसाला का प्रयोग किया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप मसाला को चेक कर सकते हैं। फिर हमने जो है प्याज लिया है, प्याज को भी आपको फाइन चॉप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप मोटे लंबे जैसे भी हो प्याज को काट दो। उसमें जो है आप साबुत लहसुन डालोगे, क्वांटिटी आपको दिख रही होगी, और सारे मसालों को हम डाल करके बगैर पानी डाले कुकर को बंद कर देंगे। एक सीटी आने तक बस हमको जो है इसको पकाना है मध्यम आंच पे। उसके बाद जब हम खोलेंगे तो देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। उसके बाद हम इसमें मटन डालेंगे। जी हाँ, मटन अब डालना है और इस मसाले के साथ हम इसको भुनेंगे बिल्कुल मध्यम आंच पे, नहीं तो ये जल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपका मसाला भुन चुका है। तो जी हाँ, मटन और मसाला को हमको अच्छे से मिलाना है। देखिए किस तरह से मिलाया जा रहा है। तो बस मिला करके हम इसको वापस से जो है ढक करके पकाएंगे। आप जो है देखिए किस तरह से जो है कलर आ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, तेल भी बिल्कुल ऊपर की तरफ आ गया। हाँ, मटन अभी पका तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर मैंने जो है 2 चम्मच जो है बड़े वाले चम्मच से धनिया पाउडर ऐड किया है, कश्मीरी मिर्च ऐड किया है। अगर आप तीखा वाला लाल मिर्च खाते हैं तो आप वो पाउडर मिला दीजिए। गरम मसाला जो है भर के पूरे 1 चम्मच डाला है। मटन मसाला या मीट मसाला जो होता है उसको भी मैंने 2 बड़े चम्मच डाला है। तेज पत्ता अब डाला है जाके, क्योंकि इससे बहुत अच्छा जो है फ्लेवर आता है और इसका स्वाद और भी इन्हांस कर जाएगा। तो इन सभी मसालों को हम मध्यम आंच पे मिलाएंगे। धीरे धीरे भुनना है अब इस मसाले को, लेकिन हाँ कुकर का ढक्कन आप नहीं लगाएंगे। इसको हमें ढक ढक करके मान के रखिए कि आपको 10 से 20 मिनट मतलब 15 मिनट तो आपको लगेगा ही लगेगा इसको पकाने में। तो चलिए हम इसको ढक देते हैं और इसको भूनते हैं। तो फिर ढक्कन हटाएंगे जब हम, तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच जो है ताज़ा दही बिल्कुल मिलाना है। खट्टे वाले दही का उपयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल मैंने अमूल की ताज़ा दही का यूज़ किया है। और उसको डालते ही इसको जो है चलाना है यहाँ पर और फिर हमें ढक ढक के पकाना है। तो 5 से 7 मिनट के बाद देखिए ये कितना अच्छा जो है इसका कलर आ गया है, रंगत काफ़ी अच्छी आई है और खुशबू तो खैर बहुत ही अच्छी हो रही है। पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई है और बहुत ही बढ़िया जो है इसका टेक्स्चर भी आया है। तो देखिए प्याज बिल्कुल अच्छे से गल गया है, मटन अभी हाफ कुक ही हुआ है लेकिन मसाला जो है पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है और ग्रेवी जो है गाढ़ा होने लगा। प्याज ने पानी छोड़ दिया है तो इस वजह से हमें ऊपर से पानी ऐड करने की भी ज़रूरत अभी तक तो नहीं पड़ी है। तो ढक ढक के पकाते हुए मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और देखिए मटन जो है कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब देख करके ही आपको लगेगा कि बस सभी निकालें और इसको खा लें। तो खैर हमारा मटन जो है 80% पक चुका है और अभी तक इसमें पानी तो बिल्कुल ही ऊपर से ऐड नहीं किया गया। तो देखा बिना झंझट के आपका मटन कितना आसानी से बन गया। इस गर्मी में किचन में किसी को भी खड़े रहने का बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है, तो ऐसे में ये वाला जो आपको मैंने बताया है आप ऐसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें। तो चलिए देखिए मटन हमारा कितना पका है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो मटन जो है बहुत अच्छा दिख रहा है, टेक्सचर काफ़ी अच्छा हो गया है। तो मुझे लगता है कि अब इसको ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, तो अब हम यहाँ पर जो है गर्म पानी मिलाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे ठंडा पानी का उपयोग नहीं करना है, ये बात ज़रूर आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर गैस को मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है और बहुत अच्छा से जो है ये खोल चुका है।
बिल्कुल आपस में सारा मसाला जो है मटन मसाला सब मिक्स हो चुका है, तो खुशबू तो खैर इतनी अच्छी आ रही है कि अड़ोसी पड़ोसी सब आपके दरवाजे पे खड़े होंगे। तो देखिए ये मटन जो है चेक कर रहे हैं पर पता चला कि ये मटन हमारा यहाँ पर पक चुका है। पानी मिलाएंगे अपने हिसाब से, ग्रेवी बनाना है चूंकि, और तो हम पानी मिलाते हैं इसमें, थोड़ा सा गर्म करके पानी रखे हैं ताकि जो है बढ़िया आए। अपने हिसाब से पानी मिलाइएगा, पानी मिला के इसको खौला देते हैं। तो देखिए गर्म पानी डालने से ये हुआ कि आपका जो है ये ग्रेवी जो है बहुत जल्दी जो है खोलने लगेगा और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया ये इंस्टेंट वाला मटन है। तो गर्म पानी का यूज़ करें, इससे जो है स्वाद भी बहुत अच्छा होगा आपके मटन का। तो मटन पूरी तरह से पक चुका है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है देख करके ही। ये वैसे तो मैं नहीं खाती हूँ लेकिन मैं ये देख के ही बता सकती हूँ कि हमारा मटन जो है बहुत ही टेस्टी बना है, और खाने वाले ही बताएंगे कि ये कैसा बना है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कितने देर इसको खौलाना है। तो मुझे लगता है कि 5 से 7 मिनट बस इसको खौलाएंगे और हमारा मटन जो है अब देखिए रेडी हो चुका है। बिल्कुल ये इतना ज़्यादा टेस्टी है और बिल्कुल मेहनत नहीं लगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा कि चलो अब मसाला भूनेंगे फिर बाद में हम मटन ऐड करेंगे तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा है। तो दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये मटन की रेसिपी कैसी लगी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि चंपारण का जो अहुना मटन होता है मैंने उसी स्टाइल में बनाया है, लेकिन हाँ वहाँ पर माटी का बर्तन यूज़ करते हैं, जो मिट्टी का बर्तन होता है जो हांडी होता है, बस यहाँ पर मैंने उसी जो है प्रोसेस का यूज़ किया है लेकिन बनाया है इसको कुकर में। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप लोग इंजॉय कीजिए और मैं चलती हूँ अगले रेसिपी की तैयारी करने के लिए। बाय बाय।